प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बांका जिले की सिमरिया पंचायत की ललिता देवी से पूछा कि उन्हें केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। मैं ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? घर, जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर, आ जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से। ललिता देवी जी, बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे चलिए तो धुइया लागे आँखी में, आई अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी सब बना के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के 8 साल पूरे होने पर किसानों और आम लोगों से बात करके उन्हें अच्छा लगा। हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुर रहने वाले का दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं, इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं।